नमस्कार, आई एम अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। माय व्हाट्सएप नंबर इज +91 933 411 2316। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं राग देश की श्रृंखला में राग देश की बंदिश छोटा ख्याल, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। तीन ताल 16 मात्राओं की ताल है। ठेका इस प्रकार है: धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। और बंदिश है बहुत खूबसूरत: तुम बिन अब ब्रज राज दुलारी। इसे मैं जी बेस पूनम फ्लूट पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड को देखने के पहले आपने इसके और पिछले 4 एपिसोड देख रखे होंगे, जिसमें आलाप कैसे करते हैं, आलाप कैसे बनाते हैं, राग का चलन किस प्रकार है, राग में जोड़ आलाप कैसे करते हैं और राग में द्रुत लय में तान की तैयारी कैसे करते हैं। यह 4 एपिसोड पीछे का आप देख लीजिए। और इस एपिसोड में आपका स्वागत है इस बंदिश वाले पार्ट। आइए इस जी बेस पूनम फ्लूट पर बंदिश देखते हैं। बैकग्राउंड में तबला और तानपुरा दोनों ही हैं, जी में मिलाया हुआ है तानपुरा और तबला। आइए सुनते हैं 80 BPM मध्य लय तीन ताल। Thank you.
डिस्क्रिप्शन देखते हैं बंदिश को कैसे बजाया जाए। इसके लिए बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो प्राइमरी जो नियम है, बंदिश में कुल चार लाइन है। पहले लाइन को आप चार बार बजाएं, फिर दूसरे लाइन को दो बार बजाएं, इसके बाद फिर से पहले लाइन को दो बार बजाएं। इस तरह से टोटल आठ आवृत्तियां हो जाएगी तीन ताल की। तीन ताल पर कोई भी तबला बजा रहा हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद फिर लाइन नंबर तीन यानी अंतरा पार्ट आता है। अंतरा में भी दो लाइनिंग है, तो अंतरा पार्ट का जो पहला लाइन है उसको चार बार फिर से लीजिए, फिर जो दूसरा लाइन है उसको दो बार लीजिए, और फिर मुखरा यानी जो पहला बिगिनिंग है हमारा स्थाई है उसके पहले लाइन को फिर से दो बार ले लीजिए, और बाद में आप चाहे तो तिहाई बना सकते हैं, यानी जो गाने का पहला पार्ट है उसके आधे हिस्से को तीन बार लीजिए। कैसे? तुम बिन अब ब्रज, तुम बिन अब ब्रज, तुम बिन अब ब्रज, राज दुलारी करके खत्म कर देना है। आई नोटेशन इसका देखते हैं। मात्रा है नी ई, नी सारे सा कोमल नी धा पा। राग देश में हमेशा आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी लगाते हैं। तो पहला लाइन हमारे पास चार बार इस तरफ जाइए, नी धा पा मा गा रे मा पा, नी ई सारे सा नी धा पा। ये चार बार बज गया। उसके बाद दूसरा लाइन लेते हैं, सा के बाद डैश रखना हो तो रख लीजिए, सांस लेने की जगह हो जाएगी, या मा गा रे गा नी नी सा डैश। आगे अब इसका आठवां नौवां मात्रा देखिए, रे मा पा नी दा पा मा पा। लास्ट में मा पा भी ले सकते हैं, मा गा भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। रे मा पा कोमल नी धा पा मा गा, का रे सा रे नी नी सा, रे मा पा नी धा पा मा पा। बंदिश अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं, और बंदिश के रिटेन कॉपी आप मुझसे ले सकते हैं। आइए अंतरा पार्ट देखते हैं। अंतरा यानी अब हम अंतरा का जो पहला लाइन है उसको चार बार करेंगे। लागे लगना अबे, मा पा नी नी सा नी सा सा, नी सा रे मा गा रे नी सा, मा पा नी नी सा नी सा, नी सा रे मा गा रे नी सा, मा पा नी नी सा नी सा आ, मा पा नी नी सा नी सा आ। ये आठवीं मात्रा है। यहां पर आप चाहे तो सांस ले सकते हैं, या इसको नी को सा को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नी सा रे मा गा रे नी सा, इस तरह से भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा अंतर का चार लाइन, इसको बोल लेना है। अब इसके बाद बारी आती है चौथा लाइन, बाटत है सब गोपियां ना खाड़ी, पानी सारे सा कोमल नी धापा, रे मा पा नी धा पा मा पा।
से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। यह हो गया हमारे पास, चौथा लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब फिर पहला लाइन फिर से कंप्लीट करेंगे दो बार करके, और फिर लास्ट में पूरे लाइन को आप पूरा कहने के बजाय आधा तीन बार कहेंगे इस तरह से। नी धा पा मा गा रे मा पा, नी धा पा मा गा रे मा पा, नी धा पा मा गा रे मा पा। और इसके बाद तबला बंद हो जाएगा। नी सा रे सा नी धा पा, नी सा रे सा नी धा पा, ये बिना तबला का चलेगा और एक छोटा सा लाभ जैसा ये बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कंपोजिशन आपको समझ में आएगा और इस कंपोजिशन को आप बजाए। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, और इसके पहले के चार एपिसोड है उसको भी देखना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी। अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया।